इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा के लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। यहाँ इस लक्ष्य कोचिंग सेंटर के बिल्कुल ठीक सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे किस प्रकार की एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, किस प्रकार की का जो परफॉर्मेंस है बच्चों की, वो हमें देखने को मिलती है, और बच्चे किस तरह से इस कोचिंग क्लासेस को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, संतुष्ट हैं या नहीं है, यानी कि पैटर्न की अगर बात करूँ तो वो सबसे मुख्य होता है किसी भी कोचिंग क्लास का, कोचिंग सेंटर का। तो इस कोचिंग सेंटर में हम आज जानेंगे कि आखिर यहाँ पे जो कोचिंग बच्चों को दी जाती है उसका पैटर्न क्या है और बच्चे कितने संतुष्ट हैं, किस तरह की कोचिंग यहाँ पे दी जाती है। चलिए ले चलता हूँ आपको सेंटर के अंदर। चलिए, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है क्लासरूम वन, और इस क्लासरूम वन में जाकर के बच्चों से पूछेंगे कि आखिर किस प्रकार की एजुकेशन जो है इस एकेडमी में लक्ष्य कोचिंग क्लासेस जो है उसमें दी जाती है। कुछ एक स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ये क्लास चल रही है शायद, ये किस चीज़ की क्लास चल रही है? सर, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो अगर इस एकेडमी की बात करूं तो किस तरह की कोचिंग यहां पे इस एकेडमी में दी जाए? सर, बढ़िया कोचिंग है, बढ़िया स्टाफ है, ऑफलाइन क्लासेस होती है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, बच्चों की डिमांड या हर इश्यूज़ को ध्यान में रखकर यहां कोचिंग करवाई जाती है, टेस्ट भी लेते टाइम पे टाइम, बढ़िया कोचिंग है ओवरऑल। अगर बात करें तो दूसरे कोचिंग सेंटर से ये कोचिंग सेंटर किस प्रकार से अलग आपको लगता है? सर, दूसरे की बात देखें कंपेरिजन की तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के अलग अलग स्टाफ हैं, लगभग हर सब्जेक्ट का अलग स्टाफ है, टाइम टू टाइम टेस्ट है, नंबर एक ऑफलाइन क्लासेस है यहाँ, और स्टाफ बहुत बढ़िया वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। बच्चों की डिमांड को देखते हुए, एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, हर मुद्दे को ध्यान में रखकर यहाँ कोचिंग करवाई जाती है। चलिए, क्लास देख सकते हैं, क्लास में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए और भी कुछ बातचीत करते हैं स्टूडेंट से। हाँ जी मैम, क्या नाम आपका? यस सर, माई सेल्फ सुमनलता। सुमनलता, कहाँ से आप? लोकल सिरसा से, आगर सेन कॉलोनी। यस सर। अच्छा मैम, अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल रीजनिंग मैथ मैथमेटिक्स में आती है, तो उसका किस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, किस तरह से आपको बच्चों की नीड्स को देखते हुए सॉल्यूशन होता है? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन, क्लास चल रहा है और स्टूडेंट जिस तरह से क्वेश्चन उठाता है तो सर एक्सप्लेन करते हैं उसको अपने तरीके से, उनको समझाया जाता है अच्छे से, फिर भी समझ नहीं आता तो फिर पूछ लेते हैं जी। कोचिंग सेंटर की बात करें तो कितने संतुष्ट हैं आप इस कोचिंग सेंटर? सर, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज अगर हम सिरसा में देखें, सर्वे किया, तो मैं भी आज एक एज अ टीचर ही काम करती हूँ, तो मैंने इसी को ही चूज़ किया सर, लक्ष्य क्लासेस को ही। अच्छा। जी सर। तो आपने अलग अलग निरीक्षण किया था, अलग अलग कोचिंग सेंटर में आप गए थे, डेमो क्लासेस भी लगाई? यस सर। तो क्या कुछ अलग लगा इससे? सर, ऑफलाइन क्लासेस है, टाइम पे ही क्लास के अंदर ही हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं सर, यही प्रॉब्लम था। अगर हम कंपैरिजन करें कि पैरेलल ही कोई और इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम आता है कि क्लास चलते जो डाउट्स होते हैं हमारे, वो वहाँ पर इतने जल्दी क्लियर नहीं होते जितना मैं सामने से ही टीचर से पूछ लेती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ये सब क्लास मिस हो गई तो जी, उसके बाद में अगले दिन उसका क्या? सर, नेक्स्ट डे टीचर्स ये होते हैं कि नेक्स्ट डे वो लास्ट डे का 10 मिनट्स का रिविजन दे देते हैं, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम पर्सनली पूछ लेते हैं उनसे अलग सेशन में। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ये एक क्लासरूम जो है ये हमने आपको दिखाया। चलिए, अभी यहाँ पे अलग अलग 4 क्लासरूम जो है वो बनाए गए हैं, और अलग अलग तरह से 6 बैचेस जो यहाँ पे लगातार डेली रूटीन के चलते हैं। चलिए दूसरे क्लासरूम में जाकर के देखते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था है और क्या कुछ बच्चे कहना चाहते हैं। इंग्लिश की ये जो क्लास चल रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तमाम बच्चे जो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अलग अलग तरह के कंपटीशन एग्जाम्स की जो तैयारी करने के लिए आते हैं। चलिए बातचीत करते हैं कुछ एक स्टूडेंट से कि आखिर किस तरह से ये कोचिंग सेंटर जो है ये इनको दूसरे कोचिंग सेंटर से अलग लगता है, क्या कुछ उसमें इस कोचिंग सेंटर में खास है। क्या नाम है जी आप? जी, मेरा नाम निर्मल है। अच्छा, तो क्या कुछ खास इस कोचिंग सेंटर में? ये फर्स्ट तो ये है कि सिरसा के अंदर ऑफलाइन क्लासेज चल रही है, और मेनली बात ये है कि
ऑफलाइन तो क्लासें होती है बट देखने को ये मिलता है कि एक टीचर दो दो तीन तीन मैनुअल सब्जेक्ट करवाता है, यहाँ की मेन बात ये है कि हर एक सब्जेक्ट का अलग से टीचर है और टीचर भी हर एक टीचर दिल्ली जयपुर कोई भी टीचर यहाँ से लोकल नहीं है, अच्छी फैकल्टी है, वेल एजुकेटेड है, अच्छे एक्सपीरियंस लिए हुए यहाँ पे टीचर है, ये भी मेन बात। अच्छा अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें तो क्या फ़र्क मानते हैं आप, ऑनलाइन ज़्यादा बेटर नहीं है ऑफलाइन से? ऑनलाइन तो देखो जी फ़ोन पे भी हम घर पे भी कर सकते हैं, वहाँ से चल के इतनी दूर तक हम आते हैं और जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो सकते हमारे, हर एक स्टूडेंट का नहीं हो सकता क्लियर, तो इससे बेटर ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन तो हम घर पे भी कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया। कुछ और स्टूडेंट्स हैं जी, आपका क्या नाम? जी पूजा। पूजा हाँ, आप भी यहाँ पे किस चीज़ की कोचिंग लेने आते हैं? सर यहाँ HSC की। अच्छा, HSC की लेने आते हैं, तो क्या मैम आपको लगता है क्या कुछ खास लगता है सर यहाँ पे? जैसे ऑनलाइन में हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, यहाँ हमारी प्रॉब्लम सीधी उसी टाइम ही सॉल्व हो जाती है, वहाँ टाइम लग जाता है, कभी होती है कभी नहीं होती है। हम कोचिंग क्यों लेते हैं भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो वीडियोस वगैरह तो हम मोबाइल पे भी देख सकते हैं। जी। हाँ जी मैम आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आते हैं आप? हम लोकल हैं सर, सिरसा। वेल एजुकेटेड है सर यहाँ का स्टाफ, और वो ऑफलाइन ऑनलाइन का ज़्यादा डिफरेंस आ जाए। जैसे ऑनलाइन क्लासेस है उसमें क्या है कि डाउट एक टाइम पे एक ही बच्चे का डाउट हो सकता है क्लियर, और यहाँ मतलब एक डाउट अगर एक बच्चे का है तो वो सबको क्लियर हो सकता है सर। थैंक यू सर। क्लास को बीच में पोज किया जा सकता है? यस सर पोज किया जा सकता है। थैंक यू बातचीत के लिए। चलिए अभी क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेश है सर। सुरेश जी अगर बात करें तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स इनका अगर पैटर्न की बात करें तो किस तरह का यहाँ इस सेंटर में? बहुत बहुत बढ़िया है सर। पहले सर मैं गया था सर, मैं बाहर भी गया था सर कोचिंग के लिए, लेकिन वहाँ उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया जो यहाँ मिल रहा है सर। कहाँ गए थे आप कोचिंग के? मैं सर राजस्थान गया था। राजस्थान गए सर। अच्छा तो राजस्थान में और यहाँ में क्या फ़र्क लगा? वहाँ तो सर लोकल टीचर है सर, जैसे 12th किया सर ठीक है, उतनी वो नहीं थी सर, और यहाँ पर लेवल अच्छा है सर, अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं सर। अच्छा अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं। चलिए शुक्रिया। एक स्टूडेंट से और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी मैम आपका क्या नाम है? रीना। कहाँ से आप? लोकल सिरसा से। लोकल सिरसा से हो, तो आप क्या कहना चाहोगे इस कोचिंग सेंटर के बारे में? दूसरे कोचिंग सेंटर के बजाय इसकी कंपैरिजन करें तो कैसा है? बहुत अच्छा सर। कैसे? मतलब हमारे हर एक डाउट क्लियर होते हैं, हमें मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं। यानी कि आप सेटिस्फाइड? यस सर। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट से हमने बातचीत की है तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो पैटर्न है इस लक्ष्य कोचिंग क्लासेस का और इसके साथ साथ जो ऑफलाइन क्लासेस है वो भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जो डाउट्स होते हैं वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में जो है डाउट जो है वो साथ के साथ क्लियर नहीं होते, इसका सबसे ज़्यादा लॉस उनको झेलना पड़ता है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो डाउट्स जो है वो बच्चों के हाथों हाथ क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब इस एकेडमी के इस कोचिंग सेंटर के जो संचालक है वो क्या कुछ कहते हैं, आखिर कितना समय हुआ है, किस उपलब्धि पर ये कोचिंग सेंटर पहुँच चुका है वो जानते हैं उनसे। सर हमारी जो यहाँ पर शुरुआत हुई थी वो 17 फरवरी को हमारी यहाँ पर शुरुआत की थी हमने। 17 फरवरी को हमारा सेमिनार था और लगभग 10-11 महीने का हमने हरियाणा के अंदर सफर तय किया है, लेकिन अगर हम बात करें कि हमने अब तक कितना किया तो लगभग जो हमारी टीम काम कर रही है उसको 11 साल हो गई। हमारी गंगानगर और बीकानेर में पहले चल रही है संकल्प कोचिंग लाइन, जो अब तक हमने लगभग 5,500 के करीब सिलेक्शन दे चुके हैं, और इस 10 या 11 महीने के दौरान हरियाणा के अंदर जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसियों का एग्ज़ाम भी अभी तक नहीं हुआ, अगर मान के चले बड़ी भर्ती हुई है तो वो एक क्लर्क की भर्ती हुई है उसके अंदर, और कुछ एक रेलवे, SSC, बैंकिंग और नेट के अंदर अब तक हमने 50+ सिलेक्शन दिए हैं। और जो हमने इस एरिया को देखा यहाँ पे अभी जैसे कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए हमने संकल्प जो हमारी टीम पहले काम कर रही है गंगानगर और बीकानेर के अंदर, वही टीम यहाँ पे हम ऑफलाइन क्लासे दे रहे हैं। और साथ ही साथ में हम जैसे अगर बात करोगे आप, तो ये जैसे पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम बेस्ड हमारे पेपर लेते हैं हम हर शुक्रवार को, तो हमारा ये पेपर भी रहता है, और हम जैसे बुक भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ये अब देखोगे आप, ये बुक निकाली है हमने GK की, और अगर बात करोगे मैटर की
तो जैसे प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए उसके अंदर हमने ये जैसे तैयार करके, जैसे ये जियोग्राफी की बुकलेट है और मैथ की बुकलेट है, रीजनिंग की बुकलेट है, तो ये हमने सारा जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो मान लो जो 11 साल का हमारे एक्सपीरियंस है टीम को, उसी के द्वारा जो ये तैयार किया हुआ है। तो अगर हमने पीछे आप एग्ज़ाम पेपर उठाओगे तो जितने भी एच टेट के अंदर पेपर हुआ था, और बात करें प्री का जो जीके का पेपर हुआ था, 90 में से 89 क्वेश्चन हमारी कोचिंग के द्वारा जो करवाया गया सिलेबस था उसी में से आया है। हमारे यहाँ पे 4 क्लासरूम हैं और हम जो बैच देते हैं, ऐसे नहीं कि एक बच्चे को मान लो कोई भी रेलवे की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, एचएससी की तैयारी कर रहा है, उसको एक ही बैच में बिठा दिया, ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको एक रेलवे के बैच के अंदर ही बिठाएंगे। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का ही सब सिलेबस उसको पढ़ाया जाएगा, यानी बच्चा जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है हम वो चीज़ उसको करवा रहे हैं। और हमारे पास एट ए टाइम में 6 बैच चल रहे हैं और 4 क्लासरूम हैं, और यहाँ पर हमारे पास लगभग 16 फैकल्टी है जो गंगानगर और बीकानेर पर, बीकानेर में जैसे काम कर रही है संकल्प की, उसी टीम का हिस्सा है। यहाँ पर 16 जो है अध्यापक पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो उनका तो आना जाना डेली रहता है? नहीं नहीं सर, नहीं, यहाँ पे हमारे सिरसा के अंदर ही उनका लॉजिंग फूडिंग यहीं पे है सर। इसके अलावा एग्जाम टाइम के अंदर जब भी कोई पेपर का मान लो रोल नंबर आउट होता है कि इस दिन पेपर होगा, उससे पहले 15 या 20 दिन जितना टाइम बचता है पेपर के अंदर, तो उस दौरान हम क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर 9 घंटे की रेगुलर क्लास होती है, जिसमें 5 से 6 टेस्ट सीरीज ली जाती है और रोज़ाना एक एक सब्जेक्ट की 1.5-2 घंटे क्लास देके और सिलेक्शन तक बच्चे को पहुंचाने का हम कार्य करते हैं। कुछ कोचिंग सेंटर 1 साल में सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं सर, हमारे यहाँ पे हम कहते हैं बच्चा अगर क्लास में रेगुलर रहता है और 4 महीने का बैच अगर लगाता है तो 101% श्योरिटी है कि उसका सिलेक्शन होगा ही होगा।